Hello dear students, you are most welcome to your own channel Arc English Oracle and I am here with all of you once again to deal with a very interesting session which can help you crack any exam if you follow us regularly, because you can improve your English a lot. You can improve your English to the level from where at which you can compete any exam. So dear students, you please follow us, join us regularly and learn English at an advanced level. Guys, are you ready for the session? If so, please comment. And one thing more, whether you are getting audio visuals properly or not, let us know. Guys, fatafat comment kar dein. A very good morning to all of you. Avnish Kumar, Ram Charan Prajapati, Ajay Patel, Ranbir Yadav, Aditya Singh, LV Patel, Chandni, LV Patel. Stay blessed, guys. ईश्वर आपको सफलता दे, भगवान आपको डिजायर्ड सक्सेस प्रदान करे. सुरेंद्र वर्मा, हे गाइस, हाउ आर यू? सो द वेरी फर्स्ट न्यूज इन फ्रंट ऑफ यू विच कैन गिव यू सम वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, यू जस्ट फेस इट. तालिबान वाउ टू ऑनर विमेन्स राइट्स. क्या है इसका मतलब, जरा समझने का प्रयास करते हैं. तालिबान ने एक शपथ लिया है, एक तरह का अपने लिए कमिटमेंट लिया है टू ऑनर यानी सम्मान करना, यहाँ ऑनर वर्ब के रूप में है, विमेन्स राइट्स यानी महिलाओं के अधिकारों का सम्मान का वचन लिया है तालिबान ने, बट विद इन इस्लामिक लॉज, लेकिन कहा कि हम इस्लामिक कानून के अंतर्गत ही महिलाओं का सम्मान करेंगे. ये सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो यही है कि तालिबानी रजीम जो है यानी शासन व्यवस्था है, वो अगर आती है तो वो महिलाओं को कैसे उनके अधिकारों को बचाएगी, सम्मान करेगी, क्योंकि वो इस्लामिक लॉ के नाम पर उनके साथ बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस भी लगाते रहे हैं, ऐसे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे तालिबानी एक प्रयास कर रहे हैं जनता को कन्विंस करने का कि हम सही हैं और हमको मौका मिले शासन करने का. इंसर्जेंट्स यानी कि जो विद्रोही लोग हैं यानी तालिबानी, लॉन्च पब्लिसिटी ब्लिट्ज, ये जो वर्ड है पब्लिसिटी ब्लिट्ज, इन्होंने शुरू किया है लोकप्रियता हासिल करने का प्रयास. ब्लिट्ज का मतलब होता है अटैक या ऊर्जा से किया गया प्रयास. तो एक वर्ड तो सबसे पहले आप यहाँ पे ब्लिट्ज को ले लें, जो बहुत अहम वर्ड है दोस्तों. ब्लिट्ज है क्या चीज दोस्तों, इसको जानना बहुत जरूरी है. ये लिख रहे हैं BLITZ. ब्लिट्ज का मतलब होता है अ टास्क डन विथ लॉट ऑफ एनर्जी, यानी बहुत ऊर्जा के साथ किया गया कार्य, विथ अ लॉट ऑफ एनर्जी, या फिर ये एक होता है अ सडन अटैक. तो हम यहाँ अटैक तो नहीं पढ़ेंगे. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड ट्राई टू नो डिफरेंट एंगल्स ऑफ अ वर्ड एंड देन यू शुड बी इन पोजिशन टू डिसाइड विच मीनिंग शुड बी अप्लाइड इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट. सडन अटैक इसका मीन्स है बच्चों, सडन अटैक. सडन अटैक यहां पे आप करेंगे इसको एक प्रयास या कोशिश या कार्य के सेंस में पढ़ेंगे, इसको टास्क के सेंस में पढ़ेंगे. अब इसको आप मिलाएंगे तो आपको मीनिंग सही मिलेगी कि विद्रोहियों ने एक लोकप्रियता यानी पब्लिसिटी प्राप्त करने वाला एक कोशिश या प्रयास किया है, कार्य किया है टू कन्विंस वेरी सिटीजन्स. अब कन्विंस करना होता है समझाने के लिए, और वेरी जो होते हैं चौकन्ने सावधान, WARY जो होता है चौकन्ना या सावधान, और इसके लिए प्रेपोजिशन भी आप क्वेश्चन में आ चुका है ऑफ, क्योंकि जितने वर्ड्स हैं चाहे वो केयरफुल हो चाहे वो कॉन्शस हो, चाहे वो वॉचफुल हो, तो
कोई भी वर्ड आप इसका उठा लीजिए, इनके साथ ऑफ समथिंग होता है, किसी चीज का को लेके सावधान होना, अवेयर भी ले लेते हैं तब भी आपका ऑफ। तो ये लगातार प्रेपोजिशन चेक हो चुके हैं इनका, ऑफ लगातार चेक हुआ, वेरी का भी और चेक हुआ, लेकिन यहाँ वेरी जो आया है वो एडजेक्टिव के तौर पे आया और वेरी इन्होंने सिटीजन का एडजेक्टिव डाला, तो यहाँ तो ऑफ नहीं लगेगा, लेकिन अब वो किसी चीज को लेके सावधान होते तो ऑफ लगता। ये है सजग नागरिकों को समझाने का दैट दे हैव चेंज, कि वो बदल चुके हैं, और ये दे जो आया है वो इंसर्जेंट के लिए आया, यानी वहाँ के नागरिकों को वो बताना चाहते हैं कि भाई हम बदल चुके हैं, हम गड़बड़ नहीं है, हम पहले जैसे नहीं है, हम महिलाओं को बहुत प्रतिबंध में नहीं रखेंगे, रिस्ट्रिक्शन में नहीं रखेंगे। लेकिन उन्होंने एक चीज जोड़ दिया जो कि विद इन इस्लामिक लॉ ही वो महिलाओं के अधिकारों का सम्मान करेंगे। यही सबसे बड़ा संकट है, यही सबसे बड़ी समस्या है दोस्तों। जब इस्लामिक लॉ जिस तरह से परमिट करेगा का उस तरह से अधिकारों का सम्मान करें, तो आज के आधुनिक युग में जहां महिलाओं को शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत आगे जाना चाहिए, प्रतिबंधों के साथ ये कार्य संभव नहीं है। द तालिबान बाउड ऑन ट्यूजडे, इन्होंने एक कमिटमेंट लिया है, शपथ ली है टू रिस्पेक्ट वीमेन्स राइट्स। अब यहाँ रिस्पेक्ट और ऑनर एक ही चीज थी, एज ए वर्ब जब आप लेते हैं रिस्पेक्ट या ऑनर दोनों नाउन भी हैं और वर्ब भी हैं, लेकिन हम यहाँ प्रयोग किए थे रिस्पेक्ट या ऑनर का वर्ब के रूप में, नहीं सम्मान करना। फॉरगिव दोज हु रजिस्टर्ड देम, उनको कह रहे हैं माफ करेंगे, क्षमा करेंगे जिन्होंने उनका विरोध किया। रजिस्ट करना होता है अपोज करना, ये वर्ड भी आपको नोट करना चाहिए, RESIST, रजिस्ट क्या करना होता है अपोज करना। तो वो कह रहे हैं कि हम उनको फॉरगिव करेंगे, क्षमा करेंगे जिन्होंने हमारा विरोध किया है। एंड इंश्योर अ सिक्योर अफगानिस्तान, और कह रहे हैं कि हम सुरक्षित अ सिक्योर अफगानिस्तान सुनिश्चित करेंगे एज पार्ट ऑफ आ पब्लिसिटी ब्लिट्ज। और ये उनका एक पब्लिसिटी ब्लिट्ज का हिस्सा है, एक तरह से लोकप्रियता हासिल करने का कार्य है, एम्ड एट कन्विंसिंग वर्ल्ड पावर। और इसका उद्देश्य है एम्ड एट कन्विंसिंग वर्ल्ड पावर, विश्व शक्तियों को समझाने का उद्देश्य है, एंड अ फियरफुल पॉपुलेशन, और डरी हुई जनसंख्या को दैट दे हैव चेंज। अर्थात तालिबान इस स्टेटमेंट को जारी करके ये बताना चाहता है कि हम बदल चुके हैं और हम सभी के अधिकारों का सम्मान करेंगे, खासतौर से महिलाओं के अधिकारों का। ये बात वो विश्व शक्तियों को बताना चाहते हैं और वहां की डरी हुई जनता को, कि जब तालिबानी व्यवस्था आएगी तो क्या हमारे अधिकार तो नहीं छिन जाएंगे। स्पोक्समैन है तालिबानी स्पोक्समैन जबीउल्लाह मुजाहिद, हु हैड बीन अ शैडोई फिगर फॉर इयर्स, जो शैडोई फिगर सालों से रहे हैं। शैडोई फिगर होता है एक तरह का जिनका बहुत मतलब है, तो वो फिगर मतलब एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में यहाँ पर हैं, लेकिन जो अभी तक हाईलाइटेड नहीं थे। शैडोई फिगर जो हाईलाइटेड फिगर ना हो। प्रॉमिस्ड दैट, उन्होंने वादा किया कि तालिबान वुड ऑनर वीमेन्स राइट, की जो तालिबान है वो महिलाओं के अधिकारों का सम्मान करेगा, बट विद इन द नॉर्म्स ऑफ इस्लामिक लॉ, लेकिन इस्लामिक लॉ के अंतर्गत। दो ही गेव फ्यू डिटेल्स, हालांकि उन्होंने बहुत ही कम डिटेल्स दिए। ही सैड, और उन्होंने कहा कि द ग्रुप वॉन्टेड प्राइवेट मीडिया, ये ग्रुप जो है वो चाहता है प्राइवेट मीडिया टू रिमेन इंडिपेंडेंट, कि वो इंडिपेंडेंट रहे। अर्थात मीडिया को भी उन्होंने कहा कि आप इंडिपेंडेंट रहिए, स्वतंत्र रहिए, बट स्ट्रेस्ड, लेकिन जोर देकर कहा कि स्ट्रेस्ड दैट, मतलब जोर देकर कहा कि जर्नलिस्ट शुड नॉट वर्क अगेंस्ट नेशनल वैल्यूज, की पत्रकारों को राष्ट्रीय मूल्यों के खिलाफ कार्य नहीं करना चाहिए, नेशनल वैल्यूज के खिलाफ पत्रकारों को कार्य नहीं करना चाहिए, पत्रकारों को नेशनल वैल्यूज के खिलाफ कार्य नहीं करना चाहिए। दोस्तों ये जानकारी दी गई। ही सेड दैट इंसर्जेंट वुड सिक्योर अफगानिस्तान, उन्होंने ये भी कहा कि जो इंसर्जेंट हैं वो अफगानिस्तान के लिए को सिक्योर करेंगे, बट सीक नो रिवेंज अगेंस्ट दोज, और वो बदला नहीं लेंगे, सीक नो रिवेंज को एक साथ पढ़ेंगे, बदला नहीं लेंगे अगेंस्ट दोज, रिवेंज अगेंस्ट, रिवेंज के साथ अगेंस्ट को भी फॉलो करेंगे आप, दोज हु वर्क विद द फॉर्मर गवर्नमेंट, जिन्होंने पहले वाली सरकार के साथ काम किया उससे कोई बदला नहीं लेंगे, और विद फॉरेन गवर्नमेंट फोर्सेज, या फिर जो फॉरेन गवर्नमेंट्स या फोर्सेज हैं, विदेशी जो सरकारें हैं या जो ताकतें हैं उनके खिलाफ भी वो बदला नहीं लेंगे, कोई एक्शन नहीं लेंगे। वी अश्योर यू, हम आपको आश्वस्त करते हैं कि ये तालिबान के
प्रवक्ता ने कहा, हम आश्वस्त करते दैट नोबडी विल गो टू देयर डोर्स टू आस्क व्हाई दे हेल्प्ड, कोई उनके दरवाजे पूछने नहीं जाएगा कि उन्होंने क्यों सरकार की, पहले वाली सरकार की मदद की है, पहले वाले सरकार की मदद की है। तो दोस्तों काफी टेक्निकली चीजें आ रही हैं, आप देख पा रहे होंगे, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप इसको समझें अच्छे से। द कैपिटल ऑफ काबुल रिमेन्ड क्वाइट फॉर अनदर डे, जो राजधानी है कैपिटल की वो एक और दिन एकदम शांत रही, फॉर अनदर एक और दिन ये शांत रही, एज द तालिबान पेट्रोल एक्सीज, जब तालिबानियों ने वहां की सड़कों पर गश्त लगाया यानी निगरानी की, एंड मैनी रेजिडेंट्स स्टेड होम, और कई नागरिक घरों में रहे, फियरफुल आफ्टर द इंसर्जेंट्स टेक ओवर, और फियरफुल थे वो, डरे हुए थे, आफ्टर इंसर्जेंट टेक ओवर यानी इंसर्जेंट के टेक ओवर के बाद। इंसर्जेंट के टेक ओवर के बाद तो प्लीज जरा ध्यान से देखते रहिए आप इसको, और मुझे बताएं कि क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है। टेक ओवर होता है सर अपने हाथ में ले लेना सत्ता को। सो प्रिजंस एम्प्टीड एंड आर्मरीज लूटेड, उसमें देखा गया कि जो जेल थे वो खाली हुए, और जो शस्त्र भंडार थे, हथियारों के जो भंडार, जो अड्डे थे वो लूटे गए, जहां हथियार रखे जाते हैं, इसे बोलते हैं आर्मरी, शस्त्रागार इसे बोलते हैं, शस्त्रागार यानी जहां पे शस्त्र वगैरह रखे जाते हैं। दोस्तों आप बहुत अच्छे से इसको पढ़िए और समझने का प्रयास करिए, और मुझे बताएं कि आपको दिक्कत आ कहां रही है। दैट क्लियर गाइस? चलें इसको छोड़ से ट्वीट कर दें गाइस, और अब चलते हैं हम लोग किसी और विषय की तरफ। क्या हालात हैं, क्या उनके स्टेटमेंट है, तो क्लियर हो चुका है। अब हम चलते हैं, इंडिया ब्रिंग्स बैक एम्बेसी स्टाफ, ये भी खास बात आप पढ़ लें कि भारत भी अपने दूतावास के स्टाफ को वापस ले आया, यानी अफगानिस्तान में जो दूतावास था वहाँ का जो स्टाफ था भारतीय, उसको भारत वापस ले आया है कि भैया अभी हम नहीं रखेंगे वहां, अभी माहौल आपके यहाँ का ठीक नहीं है। आफ्टर अ टेंस डे के बाद व्हेन डिप्लोमेट्स वर टर्न्ड बैक फ्रॉम ट्रैवलिंग बाय तालिबान गार्ड्स, तो बहुत ही तनावपूर्ण दिन के बाद जब कूटनीतिज्ञ को वापस किया गया, टर्न बैक फ्रॉम ट्रैवलिंग यानी यात्रा से उनको वापस कर दिया गया, यात्रा करने से, तालिबानी गार्ड्स के द्वारा 140 इंडियंस कंसिस्टिंग ऑफ 120 इंडियन एम्बेसी स्टाफ, 140 भारतीय जिसमें कंसिस्ट ऑफ आपका एग्जाम का क्वेश्चन है, कंसिस्ट ऑफ जिसमें शामिल इंक्लूडिंग 120 यानी कंसिस्ट ऑफ, यहां पे क्या सेंस देगा दोस्तों, कमेंट तो करते रहो थोड़ा एक्टिवली। कंसिस्टिंग ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, कंसिस्टिंग ऑफ CONSISTING, कंसिस्टिंग ऑफ, कंसिस्टिंग ऑफ क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा इंक्लूडिंग।
इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है, कंसिस्टिंग ऑफ क्या हो जाएगा दोस्तों, इंक्लूडिंग। तो इसमें इंक्लूडिंग है यानी 120 इंडियन एम्बेसी का स्टाफ शामिल है एंड इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस पर्सनल और आईटीबीपी के पुलिस कर्मी। पुलिस पर्सनल मतलब होता पुलिस कर्मी, 16 सिविलियंस, 16 जो है नागरिक एंड 4 मीडिया पर्सन, और 4 मीडिया पर्सन फ्लू बैक वापस न्यू दिल्ली आए। लोग फ्लाई बैक मतलब हवाई यात्रा करके आना होता है, ऑन बोर्ड अ मिलिट्री फ्लाइट। और ये किस पर, ऑन बोर्ड यानी सवार होकर एक मिलिट्री फ्लाइट थी, एक सैन्य जहाज था सेना का, ऑन ट्यूजडे ये वापस अपने देश आ गए। दोस्तों वीडियो शेयर कर सकते हैं क्या आप एक बार, द फ्लाइट अ C-17 ग्लो मास्टर, जो फ्लाइट है C-17 ग्लो मास्टर नाम का यानी जहाज, वॉज वन ऑफ द टू एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाई द इंडियन एयरफोर्स, जिसे भारतीय वायुसेना ने संचालित किया, फॉर ब्रिंगिंग होम ऑल इंडियन पर्सनल, सभी भारतीय कर्मियों को वापस लाना फ्रॉम द एम्बेसी दूतावास से। हाउएवर लेकिन द गवर्नमेंट मेंटेन दैट, सरकार ने ये मेंटेन किया कि इट हैड नॉट अबेंडन्ड अफगान्स, इसने अफगानिस्तान को अबेंडन नहीं किया अर्थात तो उसने छोड़ा नहीं है, एंड लॉन्च्ड अ न्यू ई वीजा कैटेगरी, और लॉन्च किया है एक नई इलेक्ट्रॉनिक वीजा कैटेगरी स्पेशली फॉर अफगान नेशनल्स, खासतौर से फॉर अफगान नेशनल्स, अफगान के नागरिकों के लिए। सिविलियंस नेशनल पर्यायवाची हो जाएंगे। कई बार हम लोग छोटे छोटे वर्ड्स को भी ठीक से नहीं लेते हैं, नेशनल्स यानी जो वहाँ के सिविलियंस हैं, जो वहाँ के नागरिक हैं। विशिंग टू कम टू इंडिया, भारत आने की जिनकी इच्छा है या इच्छा कर रहे हैं। वी वर अ वेरी लार्ज मिशन, हम एक बहुत बड़ा मिशन है ऑफ 192 पर्सनल का। हु वर एवैक्यूएटेड, जिनको बाहर किया निकाला गया फ्रॉम अफगानिस्तान विद इन अ पीरियड ऑफ 3 डेज, 3 दिन के अंदर, इन अ वेरी ऑर्डरली फैशन, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से, इन अ वेरी ऑर्डरली फैशन, क्या लिखोगे, बहुत ही व्यवस्थित है। ये वीडियोज 2 बार रिविजन बनता है इनका, तब जाके आप इन सबसे जुड़ पाएंगे। इन 2 फेजेस, 2 चरणों में, एक साथ इसको भी लिखेंगे। देखिए एक एक शब्द मत लिखा करो, कई जगहों पे ग्रुप एक साथ लिखने से आपको क्या होगा, उसको यूज करने का भी फायदा मिलेगा, आप स्पीकिंग में भी उसका फायदा उठाएंगे। तो ग्रुप में जैसे इन 2 फेजेस, 2 चरणों में, इन अ वेरी ऑर्डरली फैशन, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से, ऐसे करके ग्रुप के ग्रुप लिख के उनकी हिंदी लिखा करो। एक बार नहीं लिख पाएंगे, अभी आप सुन रहे हैं, मान लो टाइम उतना नहीं निकलता है, लेकिन दोबारा वीडियो को आप स्लो करके जब जाएंगे तो पूरा का पूरा नोट्स अच्छे से बना सकते हैं। सेड इंडियन एम्बेसडर टू अफगानिस्तान रुद्रेंद्र, ये इंडियन एम्बेसडर साहब हैं जो अफगानिस्तान में, रुद्रेंद्र टंडन ड्यूरिंग अ रिफ्यूएलिंग स्टॉप ओवर, और ये रिफ्यूएलिंग कर रहे थे स्टॉप ओवर, ऐसे स्टॉप ओवर बनाए जाते हैं जहाँ पे जहाज ईंधन लेता है, एट जामनगर इन गुजरात ऑन अगस्त 16, 16 अगस्त को इन अदर C-17 ब्रॉड बैक नियरली 40 डिप्लोमेट्स, 16 तारीख को 40 डिप्लोमेट्स लाए गए थे एंड अदर पर्सनल आफ्टर द अदर्स वर, जब अन्य जो है वो क्या थे, वर 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 अदर्स वर टर्न्ड बैक फ्रॉम ड्राइविंग द एयरपोर्ट, अन्य लोगों को एयरपोर्ट जाने से वापस कर दिया, टर्न बैक कर दिया गया था बाई तालिबान गार्ड्स इन काबुल, हु स्टॉप द कन्वॉय, जिन्होंने काफिला, कन्वॉय होता गाड़ी को, काफिला रोक लिया था, कॉन्फिस्केटेड सम इक्विपमेंट, उनके कुछ इक्विपमेंट को जब्त कर लिया था, एंड फोर्स देम बैक टू द एम्बेसी, और उनसे कहा था वापस अपने दूतावास चले जाओ, कहाँ चले जाओ, वापस अपने दूतावास चले जाइए। अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, सूत्रों के अनुसार, सम डिफिकल्ट एंड अनसर्टेन आवर फॉलोज, कि कुछ कठिन और अनिश्चितता के क्षण भी उसके बाद आए, एज इंडियन डिप्लोमेट्स, क्योंकि जो इंडियन डिप्लोमेट्स थे लेड बाय मिस्टर टंडन कोऑर्डिनेटेड विद द न्यू मिलिशिया, उन्होंने एक तालमेल बैठाया, बातचीत करने का प्रयास किया, जो नई मिलिशिया है, नया जो सैन्य संगठन है वहां का तालिबान, नाउ इन कंट्रोल ऑफ द कैपिटल, ये मिलिशिया जो है तालिबानी संगठन है, कैपिटल एंड अदर डिप्लोमेटिक मिशंस, और जो अन्य कूटनीतिक इनके मिशन थे, टू इंश्योर द सेफ पैसेज, और वो सुनिश्चित करना चाह रहे थे टंडन साहब एक सुनिश्चित जो है यात्रा ऑफ द कन्वॉय आउट ऑफ काबुल, की वो काबुल से सुरक्षित बाहर जाएं, एंड देन टू हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और फिर वो पहुंचे हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, करेंटली अंडर द कंट्रोल ऑफ US लेड नेटो ट्रूप, जो अभी भी अमेरिका के नेतृत्व में जो सेनाएं हैं उनके नियंत्रण में है हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। डियर स्टूडेंट्स, आपके कमेंट्स की अपेक्षा है मुझे।
हाँ जी प्रमिला, कौन कौन और स्टूडेंट्स हैं जरा इनके नाम एक बार लें भाई। चैनल से जुड़ने वाले बच्चों के नाम लेना बहुत ज़रूरी है। ये हैं आपके अलका चौधरी, पवन कसौधन, गजेन मोहन, अन्नू सरोज हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं शायद, प्रदीप, संदीप पटेल पाले से हैं, विवेक पाले से हैं, अमन यादव पाले से हैं, ज्योति लगातार फॉलो कर रही है, किरण वर्मा भी कुछ दिन से फॉलो कर रही है, रंजीत कुमार जो है वो कुछ दिन से फॉलो कर रहे हैं, राजदीप चौहान नए हैं ये बहुत फॉलो नहीं कर रहे हैं, प्रमिला यादव, पवन कशोधन, सत्यम चौहान भी फॉलो कर रहे हैं, सौरभ वर्मा और आदित्य यादव, शिवम सिंह, ये सब स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब आपको मैं लेके चलता हूँ किसी और रोचक खबर की तरफ। एवरीथिंग चेंज सडनली साइलेंटली, ये फिर आपको मैं, अटैक्ड बाई अपर कास्ट मैन वाइल होस्टिंग फ्लैग सेज दलित, एक आपको जाति के मुद्दे कितने गहराते हैं हमारे देश में, आज भी आप इनको देख सकते हैं, यानी कि हमारे देश में आज जातिवादी समस्या बनी हुई है, इसका एक आपको खबर यहाँ देखने को मिल सकता है। अटैक्ड बाई अपर कास्ट मैन, यहाँ पे एक आरोप है, दलित ने कहा है, दलित व्यक्तियों ने कहा कि अपर कास्ट के लोगों के द्वारा हम पर हमला किया गया जब हम ध्वज फहरा रहे थे, ध्वजारोहण कर रहे थे। होस्टिंग फ्लैग होता है ध्वजारोहण करना, यानी जब हम ध्वजारोहण कर रहे थे उस वक्त दलितों ने कहा कि हमें अपर कास्ट के लोगों ने हमारे ऊपर हमला किया है। क्लैश टुक प्लेस नियर अम्बेडकर स्टैच्यू, और ये बता रहे हैं कि जो ये लड़ाई हुई, क्लैश हुई है, जो वो अम्बेडकर की मूर्ति के समीप, प्लेस नियर अम्बेडकर स्टैच्यू, पुलिस का कहना है, यानी पुलिस का स्टेटमेंट क्या आ रहा है जरा देख लें, इश्यू स्टेम फ्रॉम अ लैंड डिस्प्यूट, ये कह रहे हैं कि जो मुद्दा है वो निकल के आया, स्टेम फ्रॉम निकल के आना, आह क्या क्वेश्चन है इस पे, स्टेम के साथ फ्रॉम प्रेपोजिशन एग्जाम का पॉइंट है कि ये मुद्दा निकल के आया है भूमि विवाद से, ये मुद्दा जो निकला है वो भूमि विवाद से निकला है। पुलिस ने इस तरह का स्टेटमेंट जारी किया था तो उन्होंने ये खारिज किया कि कोई जाति का मामला है, ये मामला भूमि विवाद का है, ऐसा पुलिस ने बयान जारी कर दिया। जब भी सांप्रदायिक दंगे होते हैं या जाति संबंधी कोई बातें आती हैं तो पुलिस अक्सर ये बचने के लिए या फिर उसकी सत्यता को अच्छी तरीके से जांचे बिना इस तरह के बयान दे के निकलती है कि ये मामला कुछ और है, ये जाति का संप्रदाय का मामला नहीं है। यानी कि जिस देश में हमें इन बड़ी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है उनका मूल्यांकन भी ठीक से कई बार होता नहीं दिखता है दोस्तों, उनका मूल्यांकन भी कई बार ठीक से होता हुआ नहीं दिखता। मेंबर्स ऑफ द दलित कम्युनिटी एट जाटा मोहल्ला, मेंबर्स ऑफ द दलित कम्युनिटी यानी दलित समुदाय के जो सदस्य हैं जाटा मोहल्ला में, दिल्ली तुगलकाबाद, हैव अक्यूज्ड मेंबर्स, उन्होंने आरोप लगाया सदस्यों पर, हैव अक्यूज्ड मेंबर्स ऑफ द अपर कास्ट के सदस्यों पर आरोप लगाया है ऑफ अटैकिंग एंड इल ट्रीटिंग देम, अटैकिंग हमला करना और उनके साथ दुर्व्यवहार करने का, व्हेन दे ट्राई टू होइस्ट द ट्राई कलर, जब उन्होंने तिरंगा फहराना, होइस्ट यहाँ पे फहराना है बच्चों, फहराना, कोई कंफ्यूजन ना हो, एक होता होस्ट जो मेजबान या मेजबानी करने के लिए आता है और एक होता होइस्ट तिरंगे को फहराना, होइस्ट ट्राई कलर या फिर फ्लैग भी लिख सकते हैं सीधा। ऑन इंडिपेंडेंस डे नियर अ स्टैच्यू ऑफ बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर की स्टैच्यू के समीप, ऐसे ऐसे सिंपल सिंपल प्रेपोजिशन भी चेक होते हैं कि स्टैच्यू ऑफ या फिर फॉर या क्या क्या कर रहे हैं भाई लोग, लेकिन अगर आप रेगुलर रिविजन में हैं, रेगुलर पढ़ रहे हैं तो आपकी गलतियां नहीं होने वाली हैं। द पुलिस सेड एन ऑल्टरकेशन, अब ऑल्टरकेशन यहाँ पे जो आया विवाद या फिर क्लैश, जो अभी क्लैश आया था वही है, ये जो झगड़ा है वो घटित हुआ, टुक प्लेस का मतलब घटित हुआ, बिटवीन फैमिलीज ऑफ द जाटो कम्युनिटी एंड द फैमिली ऑफ जितेंद्र, जाटो समुदाय और जितेंद्र के परिवार के बीच का ये झगड़ा था, हु बिलोंग्स टू गुर्जर कम्युनिटी, जो गुर्जर समुदाय से संबंधित हैं। भाई इसको 50 तक तो ले जाओ यार, लाइफ की संख्या इतना कम क्यों रहता है भाई, इतना बड़ा प्रदेश है हमारा पूर्वांचल के, इतने सारे लड़के तैयारी करते हैं, क्या सबने अंग्रेजी छोड़ दिया है पढ़ना क्या? क्या सबने अंग्रेजी पढ़ना छोड़ दिया है ये मुझे बताया जाए।
एट पीपल, आठ लोग वर इंजर्ड, आठ लोग घायल हुए थे इन द क्लैश लड़ाई में। क्रॉस एफ आई आर हैव बीन रजिस्टर्ड, और क्रॉस एफ आई आर भी रजिस्टर की गई थी द पुलिस सेट, पुलिस का कहना है। एडिंग दैट द इशू स्टेम्स फ्रॉम ए ईयर लॉन्ग लैंड डिस्प्यूट, और ये जो है जो मामला है वो ईयर्स लॉन्ग लैंड डिस्प्यूट से निकल के आया है, ईयर्स लॉन्ग लैंड डिस्प्यूट से निकल के आया है। अकॉर्डिंग टू क्लॉथ ट्रेडर, क्लॉथ ट्रेडर के अनुसार चंद्रपाल 56 रेजिडेंट्स ऑफ जाटा मोहल्ला डिसाइडेड, रेजिडेंट्स ऑफ जाटा मोहल्ला ने फैसला किया है टू होस्ट द नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग को फहराने का एट 11 AM पर नियर अ स्टैच्यू, स्टैच्यू के समीप, बिल्ट ऑन अ पीस ऑफ डिस्प्यूटेड लैंड, जो डिस्प्यूटेड लैंड पर बना था। दैट लैंड वॉज अलॉटेड फॉर कंस्ट्रक्शन, और ये लैंड जो है वो कंस्ट्रक्शन के लिए अलॉट की गई थी, ऑफ अ मैरिज हॉल, मैरिज हॉल का, फॉर अवर कम्युनिटी, हमारे समुदाय के लिए, बट द अपर कास्ट मैन ऑब्जेक्टेड टू इट, लेकिन अपर कास्ट मैन ने इसका विरोध किया। वन पर्टिकुलर फैमिली इंटरवीन्ड, एक खास परिवार ने जो है वो इंटरवीन किया, एंड इंश्योर्ड अ प्रोसीजरल डिले, और प्रोसीजरल डिले को सुनिश्चित किया, यानी प्रक्रिया का जो देरी है उसको सुनिश्चित किया। तो इस तरह का ये विवाद था दोस्तों, और आप लोग जो है अब आपको एक और न्यूज दिखाते हैं, कुछ शब्दों के साथ जोड़ने का प्रयास आपको करेंगे, आप उसको भी देख सकते हैं। बिटवीन वर्ड एंड इंटेंट, यानी शब्दों और उद्देश्य के बीच, ये होता है शब्द क्या है और उद्देश्य क्या है उसके बीच। इसको थोड़ा पढ़ते हैं कि मुद्दा क्या है। चीफ जस्टिस रिमार्क्स ऑन लेजिस्लेटिव डिबेट्स, मुख्य न्यायाधीश की जो टिप्पणियां हैं ऑन लेजिस्लेटिव डिबेट्स, लेजिस्लेटिव डिबेट्स फॉर फ्लैग, नीड फॉर क्लैरिटी इन लॉ मेकिंग, इनकी आवश्यकता है क्या है, फॉर क्लैरिटी इन लॉ मेकिंग, लॉ मेकिंग की अस्पष्टता को लेकर। द डिस्क्वाइट ओवर द एबसेंस ऑफ एडिक्वेट डिबेट्स, सारे वर्ड्स को नोट करना बच्चों। हाँ, स्पोर्ट भी कभी डील कर देंगे आपको, बीच बीच में स्पोर्ट डील कर दिया करेंगे, कोई स्पोर्ट हमारे लिए इशू नहीं, लेकिन बात यह है कि कहीं भी सीखा जा सकता। आप इंग्लिश को इंग्लिश नहीं देखते हैं ना, आप इंग्लिश को जो है विषय से जोड़ देते हैं। आप कहीं भी पढ़िए, आपको यहाँ भी देखो, आप डिस्क्वाइट शब्द आ गया, डिस्क्वाइट का प्रेपोजिशन ओवर आ गया, द एबसेंस ऑफ एडिक्वेट डिबेट आ गया आपका, एबसेंस ऑफ एडिक्वेट डिबेट और डिस्कशन है ना, तो जो अशांति है एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट डिबेट और डिस्कशन के ऊपर इन पार्लियामेंट इज क्वाइट वाइड स्प्रेड, ये पूरी तरीके से व्यापक है। कंसर्न सिटीजन्स, यानी कि जो चिंतित नागरिक हैं, सेक्शंस ऑफ अपोजिशन और जो विपक्ष का वर्ग है, बिमोन द एविडेंट हेस्ट, बिमोन माने होता है दुख व्यक्त करना, अपना दुख व्यक्त करना, बिमोन द एविडेंट माने अस्पष्ट, हेस्ट माने जल्दीबाजी पर, विथ जिसके साथ लॉज आर पुश्ड थ्रू, जिसके साथ लॉज को पुश्ड थ्रू किया जाता है या पास किया जाता है, यहाँ पे हम पुश्ड थ्रू को चाहें तो पास्ट से जोड़ सकते हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स और जो इसके मेन अधिकारी हैं, फ्रेट ओवर द लो प्रोडक्टिविटी, फ्रेट ओवर होता है परेशान होना, फ्रेट ओवर जो एक साथ लिखेंगे परेशान होना, तो परेशान है ओवर द लो प्रोडक्टिविटी, लो प्रोडक्टिविटी पे ड्यू टू टाइम लॉस्ट, जो टाइम लॉस्ट हुआ अमिस्ट अनरूली प्रोटेस्ट, अनियंत्रित विरोध प्रदर्शन के बीच, अमिस्ट अनरूली प्रोटेस्ट यानी अनियंत्रित विरोध प्रदर्शन के बीच, एंड इवन गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव और जो सरकारी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मे वरी, जो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं मे वरी, वो चिंतित हो सकते हैं दैट देयर लेजिस्लेटिव एजेंडा, की जो लेजिस्लेटिव एजेंडा है इज नॉट बींग कैरिड आउट इन टाइम, उस समय से नहीं किया जा रहा है। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस एन बी रामन्ना हैज एडेड अ न्यू डायमेंशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस एन बी रामन्ना ने एक नया आयाम जोड़ दिया है टू दिस सेंस ऑफ डिसकॉन्टेंट, इस सेंस ऑफ डिसकॉन्टेंट को, बाई पॉइंटिंग आउट ये सारा करते हुए द एबसेंस ऑफ एनी हेल्प फ्रॉम पार्लियामेंट्री डिबेट, कि पार्लियामेंट्री डिबेट के अभाव में
नहीं, संसदीय चर्चा के हाव में व्हेन द कोर्ट्स आर फेस्ड, जबकि न्यायालय सामना करते हैं एम्बिग्यूटीज माने अस्पष्टता का, एम्बिग्यूटीज माने होता अस्पष्टता, या लक्यूना इन लॉज यानी कानून में जो पेचीदगी है, जो समस्या है, लक्यूना होता किसी भी कानून की अड़चन समस्या, या तो अस्पष्टता रहती है, लक्यूना एल ए हम लोग गांव देहात में बोलते हैं, बड़ा लकुना लगा रहा हूँ, एक तरह की बड़ी पेचीदगी पैदा करना होता है, कठिनाई। हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स, और जो उन्होंने बताया कि जो एक दुर्दशा है वो रेजोनेट, ये जो है गूंजेगी एज क्रूशल पीस ऑफ लेजिस्लेशन, महत्वपूर्ण लेजिस्लेशन के रूप में, लेजिस्लेशन होता कानून, और इनडीड पास्ट, ये पास किए जाते हैं विदाउट सफिशियंट डिबेट, बिना पर्याप्त चर्चा के, चर्चा ही नहीं हो रही सदन में, और कानून बन जाता है तो उसकी जो बहुत सारी जटिलताएं वो बनी रहती है उसमें, एंड ऑफन विद नथिंग मोर देन अ मिनिस्टर्स ब्रीफ रिप्लाई, और प्रायः जो है केवल मंत्री जी का एक ब्रीफ रिप्लाई आता है, और अ मेयर एश्योरेंस आता है इन रिस्पॉन्स टू, के जवाब में, एक रिस्पॉन्स टू एनी कंसर्न, किसी भी चिंता का, रेज्ड बाय सम मेंबर, जो कुछ सदस्यों के द्वारा रेज किया जाता है। द सीजीआई कंसर्न वॉज पब्लिकली अकेजेंड, और जो सीजीआई की जो चिंता है वो पॉसिबली संभवतः अकेजेंड बाई सम स्पेसिफिक लॉ, अकेजेंड माने वो इस अवसर पर आई है जब कुछ विशेष कानून सच एज द ट्राइब्यूनल रिफॉर्म बिल रिसेंटली पास्ड, जो हाल ही में पास किया गया, विद अ फ्यू क्लॉजेज, जिसके कुछ कानून जो है कुछ नियम स्ट्रक डाउन, इसको समाप्त कर, स्ट्राइक डाउन किसी चीज को समाप्त कर देना, स्ट्राइक डाउन एक फ्रेजल वर्ब है, किसी चीज को हटा देना या काट देना, समाप्त कर देना, इनको स्ट्रक डाउन किया गया, यानी कुछ इनके क्लॉज हटा दिए गए बाय द सुप्रीम कोर्ट। हाउ एवर यद्यपि द इम्पोर्ट ऑफ हिज ऑब्जर्वेशन, जो इम्पोर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन है एट अ सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन का टू मार्क द 75th इंडिपेंडेंस डे, 75th इंडिपेंडेंस डे का, वॉज दैट वेन द कोर्ट्स वर अनेबल, जब न्यायालय असमर्थ थे टू फैदम द इंटेंट यानी उद्देश्य की गहराई मापने में, बिहाइंड सम लॉज कुछ कानून के पीछे, द पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड कुड थ्रो सम लाइट, संसदीय रिकॉर्ड कुछ प्रकाश डाल सकता है, इफ द डिबेट्स वर सफिशेंटली इनलाइटनिंग, अगर ये डिबेट्स पर्याप्त रूप से इनलाइटनिंग थी, ज्ञानवर्धन करने वाली थी। ही रिफर्ड टू द इल्यूमिनेटिंग डिबेट, और उन्होंने इशारा किया इल्यूमिनेटिंग डिबेट ऑन द इंडस्ट्रियल, इन्होंने ज्ञान बढ़ाने वाली, जानकारी देने वाली डिबेट, इल्यूमिनेटिंग हमेशा इंफॉर्मेशन को बढ़ाने वाली डिबेट कहेंगे आप, ऑन द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पर एज एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण के रूप में। तो दोस्तों आज का सेशन हम थोड़ा सा जल्दी समाप्त कर रहे हैं यहाँ पे, आप इसको फॉलो करें, और अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाएं, क्योंकि तभी उत्साह रहेगा। आज उत्साह भी मेरा कम कमज़ोर होता है जब आप लोग लाइव आने में लापरवाही करते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइव आइए, आपको ये सेशन हमेशा मिलता रहेगा, वैसे भी मिलेगा लेकिन कोशिश करिए आप भी हमारा साथ दीजिए, हम भी आपका साथ दें। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।